श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2024 के दिन है सावन का दूसरा मंगलवार, और आज हम आपको सावन के दूसरे मंगलवार के दिन करने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और विभिन्न धार्मिक उपायों को अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से सावन का मंगलवार एक अत्यंत शुभ दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा से जीवन में सुख शांति, समृद्धि और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आप लोगों को दो लौंग वाला उपाय जरूर करें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है, तो देखिए, मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय का प्रभाव शीघ्र और अधिक और जल्दी मिलता है, इस उपाय को माताएं बहनें अपने घर परिवार की सुख और शांति धन समृद्धि के लिए जरूर करें। घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए घर की माताओं का इस उपाय में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर आप व्यापारी और व्यावसायिक लोग जो आर्थिक समस्याओं या व्यापार में असफलता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। इस उपाय के माध्यम से व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। यदि आप व्यापार में लाभ प्राप्त करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। और अगर आप नौकरी पैसा के लिए करना चाहते हैं कि वे लोग जो अपने करियर में सफलता प्राप्त करने या नौकरी में स्थिरता के लिए प्रयासरत हैं, इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या करियर में उन्नति की आवश्यकता है, तो इस उपाय को करके आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए भी सहायक हो सकता है। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करें। यह उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति भी आपके घर में लाता है। तो कहने का मतलब है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, या ही फिर वह बच्चा ही क्यों ना हो। इस उपाय में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को सही विधि से करने से सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं कि यह उपाय करना किस समय है। तो देखो भाई, उपाय करने का जो समय है वह सीधी सी बात है कि सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है, क्योंकि सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का ही होता है। पर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह में ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, तो भाई फिर इस उपाय को आप शाम के प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब भाई बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे जो यह पूछेंगे कि भाई प्रदोष काल का समय होता कब है। तो हम आपको यहां पर यह बता दें कि प्रदोष काल जो एक समय होता है ना, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखो, प्रदोष काल का समय को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर किए गए उपाय भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगर आप शाम के प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो भाई आप इस उपाय को रात 8 बजे तक भी किया जा सकता है। हालांकि सावन महीने के दूसरे मंगलवार के दिन बस यह प्रयास करें कि समय का मतलब थोड़ा सा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो रात 8 बजे के बाद भी उपाय करना संभव है, लेकिन दिन के समय इसे करना अधिक शुभ और प्रभावशाली होता जाता है। लेकिन यदि आप इस उपाय को केवल 30 जुलाई 2024 को ही नहीं कर पाते हैं, तो सावन के किसी भी मंगलवार के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। वैसे तो यह उपाय विशेष रूप से सावन महीने के दूसरे मंगलवार के लिए ही है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश ना कर पाओ तो इसे सावन के किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हो। पर मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माता बहन हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। तो देखिए, दो लौंग वाले उपाय है।
तो सीधी सी बात है कि इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी दो लौंग और एक दीपक की। अब देखिए दोस्तों, यह एक उपाय आपको 30 जुलाई 2024 सावन ल मंगलवार के दिन दो लौंग दीपक में डालकर जला देना। बड़े से बड़ा कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्जे को लेकर बहुत परेशान है, जो लोगों से पैसा उधार लेते हैं और लेने के बाद लोगों का पैसा दे नहीं पाते हैं, है ना। देखिए, कोशिश आप बहुत करते हैं कि लोगों का पैसा जो आपने लिया है आप उसे दे दें, लेकिन चाहकर भी आप लोगों का पैसा अगर दे नहीं पा रहे हैं तो यह आज की वीडियो सिर्फ सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो के बाद आपके जीवन से हमेशा के लिए कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके सर से इतना बड़ा कर्जा उतरता चला जा रहा है। तो देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है यह संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। अब संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं, चाहे तो वह धन से जुड़े हैं, कर्जे से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं, कोई भी संकट आपके जीवन पर है। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आप करना और फिर देखना आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन ही आपको करना है और कर्ज मुक्ति के लिए उपाय है, ये ठीक है ना। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक लाल फूल यहां पर लेना है। अब लाल फूल कौन सा, गुलाब का फूल यहां पर आपको लेना है। बहुत आसानी से आपको गुलाब का फूल मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ ये गुलाब का फूल ही आपको लेना है और कुछ नहीं, नहीं लेना है। एक गुलाब का फूल लेकर आपको जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। जी हाँ, महादेव के मंदिर में जाएंगे, महादेव की शिवलिंग पर आपको यह फूल चढ़ाना है। लेकिन फूल चढ़ाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, पूरे 108 बार, ठीक है ना। 108 बार ये मंत्र बोलेंगे और फिर आपको यह फूल शिवलिंग पर गुलाब का चढ़ा देना है। मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ओम आरण मुक्तेश्वरा नमः, ओम आरण मुक्तेश्वरा नमः, ठीक है ना। तो यह मंत्र आप चाहे लिख कर रख लें, वीडियो को डाउनलोड कर लें, किसी भी तरह से आपको यह मंत्र जो है यह 108 बार बोलना है। अगर आप 108 बार नहीं बोल पा रहे हैं तो कम से कम आप 21 बार तो इसे जरूर बोलें। मंत्र आपको फिर से बता रहे हैं जिससे कि आप इसको भूले ना, ओम आरण मुक्तेश्वरा नमः। यह मंत्र बोलकर एक गुलाब का फूल आप मंगलवार के दिन महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना और फिर अपने जीवन में देखना आप कैसे कर्जे की समस्याएं दूर होती चली। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, दो लौंग दीपक में डालकर आपको कहां जलाना है और कैसे यह उपाय आपको बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा दिला देगा, कभी आपको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा ले लेता है ना, उधार पैसा, तो वह पैसा लेते टाइम बहुत आसान लगता है ना, कि हम इस व्यक्ति को दे देंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि व्यक्ति चाहकर भी बहुत कोशिश करता है कि इसका पैसा मैं कैसे भी करके दे दूं, अपने सारे खर्चे रोक देगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन चाहकर भी ना वह पैसा नहीं दे पाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, किसी ना किसी व्यक्ति से अगर पैसा उधार आप ले रहे हैं और एक भी व्यक्ति का पैसा दे नहीं पा रहे हैं, आप कर्जे में फंसते चले जा रहे हैं, कर्ज लगातार आपके सर पर बढ़ रहा है, तो चार लंग वाला उपाय आप जरूर करें मंगलवार के दिन और फिर अपने जीवन में आप खुद देखेंगे कि कर्जे की समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। करना क्या है, आपको चार फूल वाली लौंग ले लेनी है, एक भी लंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये दो लौंग और एक कपूर आपको अपने घर के मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि जितनी भी समस्याएं मेरे जीवन में कर्जे की हैं, हे संकट मोचन हनुमान जी, आप हमेशा के लिए उन्हें मेरे जीवन से दूर कर देना है। ना तो दो लौंग और एक कपूर का टुकड़ा आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। आप चाहे तो यह उपाय आपके घर के आसपास कहीं मंदिर हो, है ना, संकट मोचन हनुमान जी का अगर वहां जाकर कर लेते हैं तो वहां पर जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, वहां जाकर करते हैं तो और उत्तम है। तो देखिए, दो लौंग और एक कपूर जलाने से
आपके जीवन से कितना भी कर्जा आपने ले रखा हो, आपके जीवन से वह कर्जा उतर जाता है। जब आप यह दो लौंग जलाएंगे तब आपको यहां पर भगवान राम का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है? पूरे 108 बार या फिर 21 बार। भगवान राम का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आपको बोलना है मन में, और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि हमेशा के लिए मेरे जीवन से इस कर्जे की समस्याओं को आप दूर कर देना। तो 3 से 4 मंगलवार ही आपको यह उपाय करना पड़ेगा, और उससे पहले पहले आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को पहले मंगलवार को ही करेंगे, ना कर्जा आपके सर से उतरता चला जाएगा। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है मंगलवार का, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह है आपके घर से नजरदोष नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार पड़ रहा है, या फिर एक एक करके आपके घर में कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी किसी को चोट लग जाती है, कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटनाएं अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में नजर दोष है, और आप अपने जीवन से जल्दी दूर करें। अब नजर दोष है ना नेगेटिव एनर्जी, इसे दूर करने के लिए कपूर सबसे उत्तम होता है। करना क्या है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लेना, आप जीवन में पीछे रहते हैं। दूसरी चीज, आसानी से पैसा नहीं मिलता है। आपको मिलता भी है तो वो आपका पैसा कहां जा रहा है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, बीमारियों में है ना। तो आप अपने घर से हमेशा के लिए पैसे की बर्बादी रोक सकते हैं। बस मंगलवार के दिन कपूर का ये छोटा सा उपाय आपको करना है। करना क्या है? आपको यहां पर 2 कपूर लेने हैं। 2 कपूर ले लेंगे। अब ये दोनों कपूर आपको अपने घर के मंदिर में सबसे पहले रख देने हैं, और संकट मोचन हनुमान जी के सामने एक दीपक आपको जलाना है। दीपक यहां पर आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, ठीक है ना? घी का दीपक नहीं जलाना है, या फिर आप जलाएंगे चमेली के तेल का, चमेली के तेल का, या सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको अपने घर में ही घर के मंदिर में मंगलवार के दिन शाम के समय में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। अब दोनों कपूर, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे उसके बाद दोनों कपूर आपको उठाने हैं, इन्हें जलाना है, और इसका धुआं आपको अपने पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने रूम्स हैं, सभी जगह पर इसका धुआं आपको दिखाना है, और फिर वह कपूर की थाली आपको अपने घर के मंदिर में लाकर रख देनी है। देखिए, जैसे ही आप अपने घर में इस उपाय को करते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन से संकट, दुख, कष्ट, जितनी भी समस्याएं होती हैं, ऐसा समझिए आपके जीवन को छोड़कर भागती हैं। आपके घर में कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई नजर दोष हो, है ना, यह सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। जब आप मंगलवार के दिन, जो कि संकट मोचन हनुमान जी का ही दिन है, इस दिन अगर आप 2 कपूर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने घर के मंदिर में जलाकर इसका धुआं पूरे घर में दिखा देते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में धनी की वर्षा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। कपूर जो होता है ना, यह आपके जीवन में, आपके घर में धन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जैसे ही आप कपूर को जलाएंगे ना, आपके घर का जो वातावरण है यह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगा। जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां होता है देवी देवताओं का वास, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा, और आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नजर दूर हो जाएंगे तो कोशिश करें कि यह एक ऐसा उपाय है जो आपको विशेषकर अपने घर में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक घर में यह चीजें हैं, आप कितने भी उपाय कर लेना, वह काम में नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं ना कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर दें, सारे कर्जे को आपके दूर कर दें, है ना, कर्जा कभी आपको लेना ही ना पड़े, तो आप भगवान राम के नाम का जयकारा जरूर लगाकर जाएं, क्योंकि जैसे ही आप भगवान राम का नाम लेते हैं, उनके नाम का जयकारा लगाते हैं, राम नाम आते ही ऐसा समझिए संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के दुखों को दूर करने खुद आपके जीवन में आते हैं। तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा यह उपाय करें।